हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, और 8 का भी सीरीज है 8.3। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट। इसमें हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज, है ना। तो सबसे पहले ये ब्याज क्या होता है? देखो, ब्याज का मतलब होता है किराया। तो जो पैसा हम या तो किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो उसका एक फिक्स कोई टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से कोई किराया लिया जाता है, उस किराए को ही हम उसका ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब किराए की भी अलग अलग लेने की तरीका होता है। इसमें रेट उसे बोल सकते हो कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो उसका रेट होती है, जैसे 2%, 3%। तो उसके बारे में अपन डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका आप जान सकते हो कि क्या क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में हमारा टी फॉर टाइम होता है, आर से मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड इसके अलावा जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है 1/100। ये चीजें रहती है आपकी। और इसके बाद में इसका सूत्र देखते हैं हम, जो चक्रवर्ती ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका सूत्र देखेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल, और उसके मल्टीप्लाई में रहेगा ब्रैकेट के अंदर 1+r%, और यहां पर रहेगा इसका टाइमिंग, और माइनस का फिर से प्रिंसिपल। देखो, एक बार ध्यान रखना है आपको, जो सीआई निकालना है तो प्रिंसिपल को आपको घटाना भी रहेगा, जो आप फाइंड आउट करोगे इसमें से। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है सीआई का, है ना। तो स्टार्ट करने के लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या गिवन है हमको? 10,800, ठीक है, जो प्रिंसिपल हमको दे रखा है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको। 10,800 पर ₹10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5%, 12.5% वार्षिक दर, अनुअल रेट, ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित करने पर निकालनी है। तो वार्षिक रूप से मतलब अनुअली आपको निकालना रहेगा, है ना। अनुअली क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स इनको भी आप लिख लीजिए। एनुअली मतलब होता है वार्षिक, है ना, साल भर में। ओके, पर एनम का मतलब भी वही होता है, साल भर। यानी में साल का या फिर साल भर का। ओके, ये कुछ वैसी चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है, दैट इज ₹10,800। 10,800 रुपये आपको हो गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारी 12.5%, एंड टाइम जो आपका टेन्योर है, टाइम का मतलब यहाँ पे टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि, कितने समय के लिए आपने उधार लिया है या फिर उधार दिया है। ओके, तो टी फोर टाइम जो हो गया हमारा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स यहाँ पे हमारा टाइम है। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवर्ती आपका ब्याज है। जो कि हमसे पूछा गया है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी चीजें आप जान सकते हो। रेट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दर, इसको कहते हैं समय, और इसको कहते हैं मूलधन। जो प्रिंसिपल होता है उसे कहेंगे मूल धन। मूल यानी मेन, जो मूल धन होता है, जो मेन पैसा जिसके ऊपर आपने ब्याज देना है या फिर आपको किसी से ब्याज लेना है। ये चीज हो गई, और ये समझ में आ गया होगा ब्याज यानी आई। इसको फुल फॉर्म अगर इसकी बात करें तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने लिखा हुआ है कंपाउंड, यानी सी फॉर कंपाउंड, इंटरेस्ट यानी आई। तो सी आई इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपन कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ से आप हिंदी में हल कर सकते हो, हिंदी वाले स्टूडेंट से लिखेंगे हल और इंग्लिश में लिखेंगे आपको सॉल्व। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो सी आई देखो, पी पी फॉर प्रिंसिपल जो आपका दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10,800 दे रखा है। क्लियर है? तो हम इसको लिख देंगे सबसे पहले 10,800 ब्रैकेट में 1,
वन लिख दिया प्लस आर परसेंटेज। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमको जो परसेंटेज मिलेगी, जो दर मिलेगी, वो कह सकते हो मिश्र भिन्न में मिल सकती है, इंग्लिश में बोले तो मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में मिल सकती है, जैसे कि 12 1/2। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको 12 1/2। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, आपको तरीका सिखा चुके हैं पहले, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा, 12 2 24, 12 2 24, और ऊपर वाली संख्या को जोड़नी है, तो 12 2 24 और 1 25/2, तो 25/2, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हो जाएगी। तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे 25/2 परसेंटेज, और परसेंटेज का निशान क्या होता है हम यहां पर देख चुके हैं, 1/100 होता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं इस जगह मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है, ब्रैकेट कवर, और ऊपर क्या लिखा हमारा टाइमिंग, टाइमिंग्स कितनी हमारी, 3 ईयर्स है हमारे पास टाइम, क्या समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और फिर सूत्र में लिखा माइनस का पी, माइनस पी मतलब, पी मतलब प्रिंसिपल हो गया मूलधन, और मूलधन कितना हमारे पास में 10,800, हम उसे लिख देंगे यहाँ पर 10,800 यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अब ये हमारे एक सूत्र में फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज हमने पुट कर दिए, रख दिए सारे मान, रख दिए संख्याओं के। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यहां तक आपको जमाना आ गया, मतलब लगभग आपका आधा सवाल हो चुका है, ठीक है, ये मेन चीज है। फिर से जान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पी का मतलब क्या है, होता है हमारा मूलधन, जो सवाल आपको दे रखा रहता है वो हमने लिख दिया सूत्र के अंदर। फिर 1 यानी 1 प्लस का, इसको दो तरीके होते हैं लिखने के, इस जगह आर अपॉन 100 ही मिल जाएगा आपको, कई बार ये ऐसे हो सकता है 1 प्लस का आर अपॉन 100 और ऊपर आपका टी। तो मैंने क्या किया, इसको आर गुणा परसेंटेज, मतलब आर परसेंटेज लिख दिया डायरेक्टली, ये आपका शॉर्ट तरीका, आप जगह कम करना चाहो तो, ठीक है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या आप देख चुके हो, ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। तो ये हो जाएगा, और माइनस पी का मतलब वही मूलधन। फिर से अब देखें सॉल्व करते हैं एक एक चीज को, देखो 25 का पहाड़ा आपको आना चाहिए एटलीस्ट, इतना तो बनता है 8वीं क्लास है, अगर पहाड़ा आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखो 25 एकम 25, ठीक है, जिसको पहाड़ा याद है, और 25 चौके क्या होता है 100, बहुत आसान तरीके से कट गया, मैंने गुणा करने में बहुत दिक्कत आती, एक एक स्टेप करेंगे। अब आगे लिखते हैं फिर से 10,800 ब्रैकेट में 1 प्लस, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 1 तो ये बच गया, 1 ही रहा, 1 को गुणा 1 से करते तो 1 × 1 एक ही आएगा, हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। नीचे क्या बचा है, 4 और 2, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो 4 2 क्या होता है 8 होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे ब्रैकेट, और ऊपर हमारा 3 और माइनस का सेम 10,800। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके आगे चलते हैं 10,800। अब देखो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, कैसे, बहुत आसान है, इसको अपन 1 लगा लिया, ठीक है, इसको 1 लगा के आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो या तो सीधा 8 एकम 8 और 1 9/8, या फिर यहां पर देख लो 1 प्लस का, रूम में जाके फोन उठाओ, 1 सही 1/8 है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 8 ही आएगा, तो 1 का भाग 8 में देंगे, 8 बार जाएगा, गुणा 1 से करेंगे प्लस 8 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और गुणा ऊपरी संख्या से करेंगे 1, तो हमारे पास क्या रहेगा 8 एकम 8 प्लस 1 को गुणा 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, और अपॉन में 8, 8 रे कितना होता है 9/8, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये आ जाएगा, समझ में आया आपको, हमने क्या किया है, 1 + 1/8 था तो 1 के अपॉन में 1 लगा दिया, जिससे क्या हो गया उसका बैलेंस बन गया, आप बात कर लीजिए, ओके, तो 8 एकम 8 प्लस 1, 8 रे 9 हो गया 9/8, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, और बेसिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए 8 एकम 8 और 1 9, ठीक है, और बटे मतलब नीचे 8 ही आएगा, तो यहाँ पे आप 9/8 लिख सकते हो, ठीक है, और ऊपर आपकी कैरी 3 है, सॉरी इसकी जो पावर है वो 3 है आपकी, और माइनस 10,800। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, हमारा मूलधन है और साथ में इसको हमने सॉल्व किया तो क्या है 8 एकम 8 और 1 9 9/8 आ गया, और 3 का 3 यहाँ पर लिखा है, और माइनस का 10,800 जो हमारा मूलधन है सेम लिखा हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है, ओके। अब आगे क्या करेंगे,
देखो सवाल को बड़ा बनाने से बेटर है हम सॉल्व करें आसान तरीके। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मूलधन हमारा 10,800 है और इसको सॉल्व किया हमने, 1 + 1/8 मतलब एक सही एक एक और एक एक प्लस 1/8 है, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, ठीक है। इसको भिन्न बनाकर 1/1 लगा के तो आंसर आया था 9/8, ठीक है। 9/8 हो गया और इसकी घात जो है 3 वो हमने लगा दी, इसकी पावर 3 माइनस का 10,800 लिखा हुआ हमारा एज इट इज। अब क्या करेंगे इसको आसान बनाने के लिए, हमको दिख रहा है कि इसमें भी 10,800 है, इसमें भी 10,800 है, तो हम क्या करेंगे दोनों में से इसे कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, समान समान चीज है तो क्या करेंगे, 10,800 इसको कॉमन लेंगे तो देखो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, इधर देखें और इधर भी गुणा का निशान है और एक है, इन दोनों में से हमने इसको निकाला है तो ये बचेगा, ठीक है। तो 9/8 और इसकी पावर क्यूब माइनस इसको जो हमने बाहर निकाल लिया है तो हमारे पास एक बचेगा, ठीक है, तो हमने यहां पर 1 लिख दिया। अब यहां पर सेम केस लिखेंगे दोबारा, 10,800 और अंदर देखो हमको इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम, तो इसको ए की पावर एम अपॉन बी की पावर, देखो इसमें सीन क्या होता है, इधर की तरफ दोनों तरफ पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर एम होती है, ए अपॉन बी की पावर एम, ए अपॉन बी की पावर एम होती है, तो इसको हम खोल सकते हैं, ए की पावर एम और बी की पावर m1, ध्यान देंगे इधर 9 का क्यूब क्या होता है, देखो इसको अलग अलग हमने लिखा है, सपोज इसको अलग कर दिया है, 9 की पावर 3 और 8 की पावर 3 माइनस यहां 1 हो गया, दिख रहा है आपको। अब 9 का क्यूब कितना होता है ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हम पहले पढ़ा चुके हैं और ये आएगी तो जाके आप सवाल कर पाओगे। तो 10,800 हमने यहां पे लिखा, अब बताओ 9 का क्यूब क्या लिखेंगे इस जगह, दैट इज 7 to 9, और 8 का क्यूब क्या रहेगा, 5 1 2, 512, ठीक है, माइनस 1 का 1 रहेगा, बट इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 1/1 लगा देंगे क्योंकि किसी भी भिन्न को सॉल्व करने के लिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसका पेयर होना जरूरी है, पेयर मीन्स फ्रैक्शन होना जरूरी है, मतलब पी ओपन पी क्यू की जो फॉर्म है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों चीजें उसमें होनी चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, हमको पता है 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ रखोगे उसका वही एलसीएम आ जाएगा, तो 512 और 1 दोनों संख्याओं को भाग जाए एक ऐसा नंबर चाहिए तो 512 ही आएगा क्योंकि 512 512 भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा 5 1 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम मल्टीप्लाई ऊपर क्या आएगा 7 2 9, क्योंकि इससे इसमें भाग दे दिया एक बार गया और ऊपर की संख्या से गुणा करना पड़ता है, इट मीन्स न्यूमरेटर से आपको गुणा करना पड़ता है, जो अंश है उससे इसको गुणा करना पड़ता है, इतनी बार भाग गया है, माइनस 1 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 512 बार ही जाएगा, तो हमने 1 को 512 जगह लिख दिया, 1 का भाग 512 में जाएगा तो 512 लिखना पड़ेगा और ऊपर की संख्या से गुणा करना है मतलब 1 से, तो ये हमने कर दिया, ये हो गया और हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पर 10,800, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 10,800 हमारे पास है, अंदर देखेंगे 729 का 729 है, माइनस 512 का 512 क्योंकि 1 × 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पर 512 हमारे पास लिखा हुआ है। अब इनको घटाएं, 10,800 729 में से 512 घटाएं, देखो 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, 217/512 ये चीज है, ठीक है। यहां तक आसान से समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, घटाया है नॉर्मली। ओके, अब इस संख्या को देखो एक तरीका तो ये कि इसका इसमें भाग दें, जो कि हमको पता है कि 217 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या है, किसी भी टेबल में नहीं आता है, मतलब एक कटेगा नहीं किसी से भी, तो क्या करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन है, देखो ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब इसको ओपन कर सकते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर कोई प्लस माइनस का चिन्ह हो तो ही ब्रैकेट को बंद रखना है, बाकी खोल सकते हो, ठीक है, गुणा के लिए।
तो अब इस संख्या में और इस संख्या में हमको सॉल्यूशन करना है। तो एक बात देखो, क्या इसके और इसके अंदर किसी एक पहाड़े का भाग जाता है, कोई एक टेबल इसे डिवाइड कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। हमको इसमें डिवाइडिंग रूल्स काम आएंगे, जो भाजकता के नियम है। जैसे कि हमको पता है कि इधर 12 है और इधर 2 जीरो है, मतलब 4 का विभाजकता का जो नियम है भाजकता का, वो क्या है कि अंतिम दो संख्याओं में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 12 है, मतलब 4 3 12 4 का भाग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 2 संख्या है और यहाँ पर 8 है, मतलब 8 और 2 संख्या दिख रहा, मतलब 4 इस समय जाएगा। और 8 का भाजकता का नियम क्या होता है, अंतिम 3 संख्याओं में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। देखो, हमको पता है कि 512 किसका क्यूब है, 8 का ही क्यूब है। इसका मतलब हमको एक चीज समझ में आती है कि 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और ये संख्या 8 और 00 और अंतिम 3 संख्या में 8 का भाग जाए तो पूरा जाता है, जबकि 800 में तो जाएगा 8 का भाग। 8 से काटेंगे हम, 8 का 8, 6 का 48, ठीक है, बचे कितना 3 और 2, तो 8 चौकू 32, 8 6 जा 48, ठीक है, 51 और 48 करेंगे तो 3 लेस बचेंगे, 3 और 2 इट मींस 32, और 32 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 4 जा 32, तो 64 टाइम ये हमारा कटा है। फिर इसके बाद में इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 8 से करेंगे, 8 1 8 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2 और यहां पर 8, 2 8 28 और 8 3 जा 24, मतलब 8 किया 24, 24 अगर 28, देखो यहां पे 2 बचा और 8 यहां पर 2 28 हो गया, 28 में से अगर 24 घटेगा कितना बचेगा 4। ठीक है, तो हमने कितने बार भाग दिया है, 8 दिया 24, 3 बार दिया है, फिर बचा 4। अब 4 और 0, 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, तो 5 हमने यहां पे लिखा और क्या बचा 0। अब 1 3 5 4 है और यहां 6 3 4 है, इसको हम इजीली यहां पे लिख लेते हैं, 1 3 5 0 मल्टीपल 217 और अपॉन में क्या है हमारे पास, इसको यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा 64 टाइम कटा था, 217 और अपॉन में है हमारे पास कितना 64। देखिए अभी भी कट सकता है, कैसे, 2 से कट पाएगा क्योंकि 4 से नहीं कट पाएगा, यहाँ 50 है तो 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 दुनी का 2 3 जा 6 और 2 दुनी का 4, और इसको हटाएं 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 का 2 6 का 12, ठीक है, बचा 1 और 5, 1 5 15, तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 बचेगा 1 और 2 5 जा 10, इट मींस 2 5 10, 675 बार कट गया इससे। तो ये संख्या यहां तक हमारे पास रही है। अब क्या करना रहेगा हमको, इन दोनों को गुणा करना रहेगा, यहां पे इसको लिख लेते हैं आगे, 675 गुणा 217 बटे 32, ये हमारे पास सी आई बराबर चल रही है इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास 675 बचा, ये 217 और ये 32। ठीक है, ओके, ये संख्या है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है और इसका भाग देना है। हमने यहां पे गुणा किया, देखो 675 को 217 से गुणा करना है, जो हमने किया हुआ है पूरा 7 का, चाहो तो दोबारा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। हमने गुणा किया 675 को 217 से, तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 1464। ठीक है, आपको अगर करना है तो दोबारा करके देख सकते हैं, 75 जा 35 का 5 कैरी 3 और 77 जा 49, 49 और आपकी जो 3 पावर है वो कितना हो गया 12, 52 का 2 कैरी 5, और आसान से करी लो इसको। देखें आराम से, 75 जा 35 का 5 कैरी 3, 77 जा 49 और 3 कितना होता है 52, 52 का 2 यहाँ हो गया कैरी 5, 7 6 जा 42 होता है, 42 और 5 को कितना करेंगे 47। अब 1 से अगर मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को तो वही नंबर आएगा। ठीक है, ओके, तो क्या आ जाएगा, 675 का 675 आ जाएगा। फिर हमको 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10 उसकी 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1, 15 का 5 कैरी 1, और 2 6 जा 12 और 1 13। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 का 5, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 7 14 का 4 कैरी 1, और यहां पर 6 4 10 और 5 15 और 1 कैरी 16 का 6 कैरी 1 और 1 4 यहां हो गया और यहां पर ये रह गया। ठीक है, तो 1 4 6 4 7 5 ये हमारा मल्टीप्लाई करने पाया।
अब इसको डिवाइड करेंगे किससे करना है, 32 से, हम यहाँ डिवाइड कर देंगे 32 से। 32 की टेबल इतनी बार बोलोगे 146 के आसपास का नंबर आए तो हमको पता है कि 32 4 जगह होता है 128 होता है 128, तो हम उसका लिखेंगे 128। देखो 6 में से 8 नहीं कटेगा, कैरी ली 16 में से 8 कट गया कितना बचा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 3 और 3 में से 2 गया तो 1, कितना बचा हमारे पास 18। अब 18 है, 18 इसे कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे इधर से नंबर उतारेंगे 4 184। अब 184 में कितनी बार भाग जाएगा, 32 5 जो कितना होता है 160, ठीक है तो 160 यहां लिख देंगे हम, और कितना बचा गया अपन 4 बच गया और 8 में से 6 गया तो 2। 32 बड़ा होता है 24 छोटा होता है मतलब भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या करेंगे एक और नंबर उतारेंगे, इसको यहां उतार देंगे 247। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा 32 का, 32 7 जो कितना होता है 224। बोला करे आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो कैमरा सब चलेगा अपनी जगह, पढ़ाई की जगह पढ़ाइए। 224 ठीक है, 7 में से 4 कटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3, नहीं बचेगा 3 रहेगा, माइनस किया हमने ये, और यहां से 4 में से 2 कटेगा तो 2 और 2 में से 2 0 23। अब 23 यहां बचा है तो इसमें फिर से 32 को नहीं जा सकता भाग, तो क्या करेंगे इस बार इसको उतार देंगे 235। अब 235 है तो इससे आसपास का नंबर तो यही होता है 224, तो हमने फिर से कितनी बार भाग दिया, देखो इसको 7 बार दिया था यहां पर और फिर से एक बार हमको 7 बार देना पड़ेगा तो जाके 224 हमको मिला है। 5 में से 4 गया तो 1 और यहां से 3 में से 2 कट गया तो 1, हमारे पास 11 बचा है। अब 11 भाग जाएगा नहीं 32 का और नंबर भी सारे खत्म हो गए तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे जिससे हमको 0 मिल जाए, तो हमने यहां पर पॉइंट लगाया, इनको हटा देते हैं। पॉइंट लगाने से क्या होगा इधर 0 मिल जाएगी। अब हमको पता है कि इसके आसपास का नंबर 32 4 जा तो 128 होता है, वो तो ज्यादा हो गया, 32 3 जा 32 दिया 96, 32 3 जा कितना होता 96, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 10 और 4 14 बच जाएगा। इसमें फिर से पूरा भाग नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर 3 लिख दिया हमने तो 32 4 जा कितना होता है 128, तो यहाँ पर 0 लगने से 140 हो गया क्योंकि 14 भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट की वजह से हमको फिर से 0 मिल गई थी। अब हमको इसमें 4 बार भाग देना है तो 4 बार कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 12, और हमको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर तक ही भाग देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि किसका आंसर है, ये सी आई का आंसर है। तो हमारा सी आई कितना आ गया 4577.34, ठीक है। ये तो सी आई मतलब क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज, क्या आ गया ये चक्रवर्ती और ये ब्याज, शॉर्टकट में लिखना है उन्होंने, ये हमारा आ चुका है। लेकिन हमसे क्या पूछा, साथ में मिश्र धन भी पूछा सवाल में, मतलब अमाउंट, इंग्लिश में बोले तो अमाउंट और हिंदी में मिश्र धन, तो यहां पे लिखेंगे हम मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, इन इंग्लिश व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको कितना आया है वो आपने देखा ही, ये रहा, या फिर कह सकते हो प्रिंसिपल प्लस सीआई बोल दो सीधा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज, और वो आपका क्या रहेगा, देखो 10,800 तो क्या है आपका, देखे आप मूलधन कितना हमारा 10,800 है वो लिख दिया हमने, प्लस ब्याज कितना आया है देखे यहां पर 4577.34, इसको ऐड कर दो आराम से, ऐड करने के लिए इसको आप डायरेक्टली यहां पर भी लिख सकते हो सीधा 4577 और पॉइंट कितना है आपका 34, तो 0.00 लग दो बैलेंस करने के लिए, देखो 4 का 4 3 का 3 7 का 7 7 का 7 और 85 कितना होता है आपका 13, 13 का 3 कैरी 1 तो 415 और 1 का 1, दैट्स योर अमाउंट, ये आपका क्या होगा मिश्र धन होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।
इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। ये 8.3 का पहला सवाल है और इसी फॉर्मेट में आपके आगे एक सवाल बनेंगे, तो इसे आप अच्छे से समझ लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी तरह के सवाल और इनका सॉल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू।